हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का कोफ्ता। गर्मियों का मौसम चल रहा है, लौकी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। आप भी लाइए और बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए। चलिए शुरू करते हैं। लौकी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसको छील लेते हैं, इसका छिलका उतार देते हैं और बीच से कट कर देते हैं। अब इसको कद्दूकस करेंगे हम। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे लौकी को सारे को कद्दूकस कर लेंगे। फिर इसका पानी मैंने निचोड़ के निकाल दिया है, जो एक्स्ट्रा पानी था। एक बाउल में लौकी को रख देते हैं। सारी सामग्री है। आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई और नमक हल्का सा डाल देंगे और 4 चम्मच बेसन डाल देते हैं। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो सॉफ्ट नहीं बनेगा। और धनिया की पत्ती डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें तेल डाल लेते हैं। तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से। हमने कोफ्ते का तैयारी कर लिया, अब कोफ्ते को फ्राई करेंगे। आप सेप कोई भी दे सकते हैं। इसको हल्के हल्के हाथ से पलट देंगे। देखिए हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। मैं इसको निकाल लेती हूँ, टिश्यू पेपर पे रख देते हैं ताकि इसका सारा तेल निकल जाए। उसी तेल में, तेल थोड़ा ज़्यादा था मैंने निकाल लिया, उसी में जीरा एक चुटकी हींग, और मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची को कूट लिया था, उसको डाल देते हैं। चाहे तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन का। हल्का से इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन भुन गया है। एक प्याज मैंने चॉप कर लिया था बारीक, उसको डाल के भून देते हैं। प्याज हमारा भुन गया है। मैंने 2 टमाटर लिया है, उसको भी चॉप कर लिया। चाहे तो आप प्यूरी भी बना सकते हैं। थोड़ा नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए।
2 मिनट के ढक देंगे। देखिए हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका है, इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़ा सब्जी मसाला, इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले ना और अच्छे से भुन जाए। 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। आपको रोटी से खाना है तो कम पानी डालिए, चावल से खाना है तो थोड़ा ग्रेवी बढ़ा लीजिए। 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। देखिए उबाल आ चुका है, इसमें जो मैं लौकी के पकौड़े बनाए थे उसको डाल देते हैं। बारीक धनिया डाल देते हैं। देखिए हमारा कोफ्ता बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।